हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, जय गुप्तेश्वर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है माही यात्रा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के एक और नए यूट्यूब ब्लॉग में। दोस्तों, गुप्तेश्वर महादेव के नेपाल के पोखरा शहर में डेविस फॉल के ठीक बगल में स्थित है और यह पोखरा शहर का एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। जैसे ही हम मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं, किनारे किनारे बहुत सारी दुकानें हैं जहां से आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इन दुकानों पर सामान का मूल्य बहुत ही ज़्यादा ऊंचा बताया जाता है, इसलिए अच्छी तरह से मोलभाव करके ही आप कुछ सामान यहां से खरीदें। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर जमीन से लगभग 50 मीटर नीचे गुफा के अंदर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है जहाँ से आप नीचे सीढ़ी से उतर सकते हैं। मित्रों, ये है गुप्तेश्वर केव महादेव और अभी हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। बहुत ही बड़ा गुफा है मित्रों, एकदम बहुत ही अंदर जमीन के अंदर में। तो हम लोग सभी अभी जाकर देखेंगे गुफा को, तो चलिए देखते हैं गुफा को। गुप्तेश्वर महादेव गुफा में प्रवेश करने के लिए एंट्री टिकट लगता है और एंट्री टिकट फीस 100 नेपाली रुपये है, जिसे कि आप यहाँ का टिकट काउंटर से आप ले सकते हैं। गुप्तेश्वर महादेव गुफा की खोज 16वीं शताब्दी में कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा यहां इस स्थान पर घास की कटाई करते समय खोज की गई थी। इस गुफा में भगवान शिव, माता पार्वती एवं अन्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है जिन्हें खोज की गई थी। जैसे ही आप सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू करते हैं, सीढ़ी के किनारे किनारे बहुत ही सुंदर नकाशी और मूर्तियां लगाई गई है और साथ ही साथ विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा लगाई गई है और कलाकृतियां बनाई गई है जिन्हें आप देखते हुए नीचे गुफा के मुख्य द्वार तक आप पहुंच सकते हैं। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही सर्वप्रथम माता कामधेनु का मंदिर है, जहाँ आप जाकर गाय रूपी माता कामधेनु का दर्शन कर सकते हैं और माता कामधेनु से अपने और अपने परिवार के जनों के लिए आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गुफा के अंदर लगातार 50 मीटर नीचे उतरने के बाद भगवान शिव की मुख्य शिवलिंग स्थापित है जिनका हम सभी दर्शन करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी के लिए यह भी सूचना है कि यहाँ पर गुफा के अंदर में शिवलिंग के पास भगवान का फोटो खींचना और वीडियो करना सख्त मना है। यदि आप फोटो खींचते हुए या वीडियो बनाते हुए यहाँ पाए जाते हैं तो आपका कैमरा या मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा और उसके साथ ही आपसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। तो कभी भी आप यहाँ आए तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आप यहाँ गुफा के अंदर में शिवलिंग के सामने में मुख्य शिवलिंग का फोटो या वीडियो ना करें। भगवान गुप्तेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद हम लोग गुफा के दूसरे भाग की ओर आगे लगभग 150 मीटर चलते हैं, जहां पर एक गुफा के अंदर भूमिगत झरना है जिसे हम लोग यहां स्थानीय भाषा में पताले, छांगो या पताल के नीचे झरना कहते हैं और साथ ही साथ इसे दूसरी भाषा में डेविस फॉल भी कहते हैं या एक भूमिगत झरना है। गुफा के अंदर में रास्ता बहुत ही संकरा और अंधेरा से भरा हुआ है, तो आप जब कभी यहाँ पर आएं तो सावधानी पूर्वक चलें क्योंकि रास्ता बहुत ही संकरा और छोटा भी है। आपका सिर में भी चोट लग सकता है, पैर में भी चोट लग सकता है, इसलिए जब भी आएं तो एकदम सावधानी पूर्वक यहाँ पर चलें। गुफा के अंदर काफी अंधेरा रहता है। गुफा में पानी के रिसाव के कारण सीढ़ियां काफी फिसलन भरी और चिकनी है, इसलिए आप जब कभी यहां पर आए तो आप सावधानी पूर्वक यहां पर सीढ़ियां धीरे धीरे नीचे उतरें क्योंकि सीढ़ियां इतनी फिसलन भरी है कि कभी भी दुर्घटना होना संभव है। इसलिए आप जब कभी यहाँ आए तो सीढ़ियों पर सावधानी पूर्वक एकदम नीचे उतरें। आज तक आपने जितने झरने देखे होंगे सभी पहाड़ के ऊपर से नीचे जमीन पर आकर गिरते हैं, लेकिन आज मैं आप सभी लोगों को ऐसा झरना दिखाऊंगा जो कि जमीन के अंदर में ही झरना स्थित है और उसका पानी खुद जमीन के अंदर पे ही गिरता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को यहाँ लेकर चलता हूँ झरना तक। यह झरना
जिसे यहाँ पर पताले छांगो कहते हैं। यह झरना जमीन के नीचे में और गुफा के अंदर में स्थित है। गुप्तेश्वर महादेव गुफा को दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग गुफा के अंदर भगवान शिव के मुख्य शिवलिंग तक है एवं दूसरा भाग गुफा के अंदर शिवलिंग से आगे डेविस फॉल झरना तक है। मॉनसून के मौसम में दूसरे भाग को बंद रखा जाता है क्योंकि जो भूमिगत झरना है उसका पानी गुफा के अंदर तक पूरा भर जाता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और यदि आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट करें। पुनः एक बार आप सभी को जोहार, नमस्कार, जय गुप्तेश्वर महादेव।